हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज लेकर के आया हूं मैं एक बहुत ही ब्रांड न्यू टॉपिक गुरु मंत्र सीरीज में, और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कोरोना वायरस। वेल, कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है, स्पेशली आफ्टर द लास्ट वीक ऑफ स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सब जगह भारी नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट्स बहुत बुरी तरह क्रैश हुए। इनफैक्ट ऐसा देखा गया कि 2008 के बाद भी सबसे बड़े क्रैशेस जो देखने को मिले ऑलमोस्ट इन एवरी स्टॉक मार्केट, वो कोरोना वायरस के इस आउटस्प्रेड से ही हुआ। तो आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी को और हमारे स्टॉक मार्केट को। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के मैं 6 सेगमेंट्स बना रहा हूं, जिसके बारे में एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कोरोना वायरस है क्या। इसका नाम कोविड-19 है। वैसे कोरोना वायरस डिजीज 2019 ये नाम WHO की तरफ से दिया गया। इसका इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया टू कोरोना वायरस, उस पर बात। बाकी एसेट क्लासेस का क्या हाल है, इंडिया में क्या सिचुएशन है, और आखिरकार हमें करना क्या है, इन 6 मुद्दों पे हम बात करेंगे। एंड आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन कोरोना वायरस केस और किस तरह ये हमारी इकोनॉमी को शेपअप कर सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑन कोरोना वायरस एंड इट्स इम्पैक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये WHO सिचुएशनल रिपोर्ट है 40 नंबर, जो कि कल रिलीज हुई थी यानी कि 29 फरवरी को। उस रिपोर्ट के अनुसार कुछ डिटेल्स हैं जो मेरे हिसाब से आप तो बताने बहुत ज़रूरी हैं। पहला डिटेल ये है कि टोटल 85,000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके हैं ग्लोबली, जिसमें 2,900 से ऊपर डेथ रिपोर्ट हुई हैं। साथ में WHO ने इसका रिस्क लेवल बताया वेरी हाई, विच इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। हमें इसे हल्के में एकदम भी नहीं लेना चाहिए। एंड फाइनली ये स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो स्टार्ट हुआ था सिर्फ चाइना में, जिन जिन कंट्रीज ने बचाव किया वो तो कुछ हद तक बची हैं, जैसे कि इंडिया। मैं वीडियो के आगे बताऊंगा भी कि किस तरह इंडिया बची इससे। लेकिन इसके अलावा 54 कंट्रीज़ में कोरोना वायरस का कम से कम एक केस रिपोर्ट ज़रूर हुआ है। ये 54 कंट्रीज का आंकड़ा मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, बिकॉज जब इतनी बुरी तरह कोई इन्फेक्शन फैलता है तो सबसे पहले जो आता है वो है शटडाउंस। शटडाउंस क्या होते हैं? जब भी कोई ऐसे इन्फेक्शन फैलते हैं तो सबसे पहले पैसेंजर कंट्रोल किया जाता है, पैसेंजर ट्रैफिक को कंट्रोल कर दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी शिप्स हैं, जितना भी ट्रांसपोर्ट भी है, उसको भी रोका जाता है। दैट मीन्स ट्रेड भी बंद हो जाएगा, टूरिज्म भी बंद हो जाएगा। इसी मामले में अगर हम देखा जाए तो जापान और सऊदी अरेबिया में टूरिज्म के मामले में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शंस आई हैं। जापान में स्कूल्स इवन पार्क्स तक को बंद कर दिया गया है। टॉकिंग ऑफ पार्क्स हियर, तो वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज जैसे बड़े पार्क को भी बंद कर दिया गया है 15 मार्च तक के लिए। दैट इज अ साइन ऑफ वरी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी जो वहाँ की होली साइट्स हैं उन सबको किसी भी फॉरेनर के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये तो हद ही हो रही है। एंड इसके अलावा चाइना से रिलेटेड जो भी कंट्रीज के ट्रेड थे वो सभी थोड़े बहुत तो सस्पेंड हो ही चुके हैं। ऐसे में ट्रेड के रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, ट्रेड ढंग से हो नहीं रहा है, जिसके कारण ये इकोनॉमिक सिचुएशन बन गई। और इकोनॉमिक सिचुएशन बनते ही तो स्टॉक मार्केट को गिरना समझ में ही आता है। सिचुएशन नंबर 2 या सेगमेंट नंबर 2 में आते हैं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि इसका इम्पैक्ट चाइना और इंडिया में कैसा पड़ रहा है। सबसे पहले चाइना की बात करूं तो चाइना में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो है उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी। आप जैसे कि जानते ही हैं चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री माना जाता है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो चाइना में होता है। ऐसे में चाइना में वर्कर्स का फैक्ट्री तक नहीं पहुंचना, फैक्ट्रियों का बंद होना, इसका सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आया है इन देयर प्रोडक्शन एक्टिविटी। चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलर है PMI इंडेक्स, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को दर्शाता है। वो 50 के लेवल से गिर करके 35.7 पे आ गया है सिर्फ जनवरी से लेकर के फरवरी में, यानी कि एक महीने में 30% डिक्लाइन तो यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है। शायद इसी के बेसिस पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी ये बात लिखी है कि चाइना फिलहाल 60-70% के यूटिलाइजेशन पे ही काम कर रहा है, 100% यूटिलाइजेशन तो आसपास भी नहीं है। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट का ये मानना नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट ये बोल रही है कि वी आर मोटिवेटिंग मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर वर्कर्स टू गेट बैक टू फैक्ट्री, और प्रोडक्शन एक्टिविटी को वापस दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी 85.6% यूटिलाइजेशन फिलहाल हो रही है और वो इसको और बेहतर कर देंगे इन आने वाले समय में। इसके अलावा चाइना की जो GDP ग्रोथ रेट है वो भी 6% थी लास्ट क्वार्टर तक। अब ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि चाइना की GDP ग्रोथ रेट में एक सडन डिक्लाइन देखने को मिलेगा, एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड 4.5% ओनली। तो ये एक सिग्निफिकेंट गैप है। इंडिया में तो ऐसा हो जाए तो हाई तो भाई मच जाए, बट होगा, इंडिया में भी इम्पैक्ट तो आएगा।
इंडिया में क्या इंपैक्ट आएगा, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। हम इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो तीन चार चीज़ें तो हम कुछ ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर टू केमिकल्स। मैं यहाँ स्पेशलिटी केमिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, इसके अलावा आयरन एंड स्टील है, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से। एक्सपोर्ट के मामले में भी हम आयरन ओर भी एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर चाइना से हमारे ट्रेड्स बंद हैं और पता नहीं कब तक बंद रहेंगे, तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दोनों ही सेक्टर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट इंपोर्टर्स के लिए ये भी प्रॉब्लम होगी कि अगर उनको कोई रॉ मटेरियल चाहिए या फिर कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए चाइना से, तो वो भी शायद उन्हें नहीं मिलेगी। ऐसे में इंडिया में ये स्लो डाउन डेफिनेटली आ जाएगा। इसको मैं अपने कोर्स में भी पढ़ाता हूँ, कंटेजियन इफेक्ट नाम से मैं समझाता हूँ, यानी कि एक जगह कोई प्रॉब्लम होगी वो आराम से दूसरी जगह फैल जाएगी, भले ही कोई कसूर हो या नहीं हो। ये प्रॉब्लम जैसे चाइना में शुरू हुई, लेकिन इसका इंपैक्ट इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा, और उसी के कारण स्टॉक मार्केट भी गिर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के जीडीपी नंबर्स अभी बाहर आए, 4.7%, लास्ट क्वार्टर आई थिंक 5% था, तो उसके मुकाबले कुछ गिरावट आई है। ये गिरावट कोरोना वायरस की वजह से कतई नहीं है, ये इंडिया के ही अभी मैं कह सकता हूँ जेन्युइन रीजन से है। इंडिया में एक स्लो डाउन चल रहा है और उसके कारण ये नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इस पर भी ज़रा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सेगमेंट मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इक्विटीज़। अगर मैं ग्लोबल इक्विटीज़ की बात करूँ तो भाई वर्ल्ड में लगभग सारे स्टॉक एक्सचेंज की बैंड बजी, बहुत बुरी तरह गिरे लास्ट हफ्ते, और यूएस मार्केट में जैसे ही ये रिपोर्ट हुआ कि भाई यूएस में भी केसेस हो गए, यूएस भी क्रैश किया। इनफैक्ट यूएस थर्सडे को और फ्राइडे को दोनों दिन गिरा था। फ्राइडे को उनके नसीब अच्छे थे कि गिरा 2.5%, लेकिन मार्केट बंद होते होते तक वो लोग वापस फ्लैट बंद हो गए। इंडिया के ऐसे नसीब फ्राइडे को तो एकदम भी नहीं थे। इंडिया में स्टॉक करेक्शन लास्ट हफ्ते ही अगर हम देखें तो 8% तक हुई है, यूएस में करेक्शन अभी तक 12-13% हो चुकी है। आमतौर पर ऐसा देखा भी जाता है कि यूएस में करेक्शन 10-20% के बीच में होती है जब भी कोई ऐसा वायरस वगैरह फैलता है। जस्ट बिकॉज कोरोना वायरस की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मैटर है, मेरे को लग रहा है 20% से ज्यादा ही करेक्शन इस बार देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा है तो यूएस मार्केट अभी करेक्ट होने को है, अभी भी करेक्शन होगा, साथ ही साथ इंडिया भी करेक्ट होगा ही, तो डेफिनेटली ये करेक्शन तो होनी ही है। दूसरी बात मैं उन व्यूअर्स के लिए भी बता दूं, उन नौसिखियों के लिए भी बता दूं जो ऐसा सोच रहे हैं कि यूएस में 12% गिरावट हुई, इंडिया में 8 हुई, तो अभी इंडिया और 4-5% तो पक्का गिरेगा। ऐसा नहीं है, इंडिया एक काफ़ी कंजर्वेटिव देश है, हमारा स्ट्रक्चर यूएस का स्ट्रक्चर अलग है। ऐसे में यूएस जब गिरता है तो थोड़ा जोर से ही गिरता है आमतौर पे, इंडिया थोड़ा सा बच बच के गिरता है, तो ऐसे में 12 और 13 सिमेट्रिकल हैं, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। यूएस जितना गिर चुका है इंडिया भी गिर गया। हाँ, इसके अलावा अगर यूएस में और गिरावट आई तो इंडिया में भी और गिरावट आ सकती है। इनफैक्ट कल जब मार्केट खुलने वाला है मंडे को, तब मुझे लग रहा है गिरेगा ही बाजार, तो देखते हैं क्या होता है। अब बात बाकी तो ऑप्टिमिज्म पे डिपेंड करता है। इंडिया का भी फ्राइडे को हाल बहुत बुरा रहा, निफ्टी 3.71% गिरा, विच इज द हाईएस्ट सिंगल डे फॉल सिंस 2015। लास्ट अगस्त आई थिंक 24 अगस्त 2015 में गिरावट हुई थी 5% के आसपास, उसके बाद लगभग 4.25% की गिरावट हुई लास्ट दिन, यानी कि 28 फरवरी को, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम रही। इसके अलावा करेक्शन थ्रू आउट द ग्लोब हो रही है, तो ये एक ग्लोबल रिसेशन का रूप ले सकता है, तो अगर सरकारों ने ठीक नहीं किया या फिर मैं इसका उपचार नहीं निकला तो एक ग्लोबल रिसेशन हो सकता है दस्तक करे। और एक ग्लोबल रिसेशन इस पॉइंट पे, यानी कि लगभग सारी इकोनॉमीज को प्रॉब्लम होने वाली है इंक्लूडिंग इंडिया। जी हाँ, इस बार तो इंडिया भी प्रोन नहीं है, अगर रिसेशन आया तो इंडिया को भी हिट करेगा। नेक्स्ट अप इज इम्पैक्ट ऑन अदर एसेट्स। सिर्फ इक्विटीज़ की हाल बुरी नहीं है, बाकी एसेट्स में भी बहुत प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि ऑयल। जगह जगह सब चीज़ रोक देने से, फ्लाइट्स रोक देने से, टूरिज्म रोक देने से, जो डिमांड ऑफ ऑयल है उसमें भी एक भारी गिरावट आई, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में लास्ट 14 महीने के सबसे निचले स्तर देखने को मिले। और गिरावट डेफिनेट आ सकती है ऑयल में, क्योंकि मुझे यहाँ से ये सिचुएशन इतनी जल्दी ठीक होती नहीं लग रही। इसके अलावा गोल्ड में भी गिरावट आई, लेकिन गोल्ड काफ़ी अट्रैक्टिव एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मेरे लिए नहीं, शायद आपके लिए भी नहीं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो सोचते हैं कि गोल्ड इस मौके में एक अच्छा सेफ्टी हेवन हो सकता है। अगर इक्विटी मार्केट क्रैश हो रहा है तो चलो गोल्ड खरीद लेते हैं। जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, डेफिनेटली गोल्ड बाइंग से गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से हो सकते हैं थोड़े बहुत और बढ़े। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। इसके अलावा जो सेफ्टी हेवन बोल करके आपको कोई स्टॉक्स चेप रहे हैं इस पॉइंट पे, उनसे थोड़ा बच के ही रहें। मेरी जानकारी में अगर मैक्रो इकोनॉमिक छवि इंडिया की अच्छी नहीं है, वर्ल्ड की अच्छी नहीं है, तो पूरा स्टॉक मार्केट गिरेगा। कोई पर्टिकुलर शेयर्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो उनका कोइंसिडेंस हो सकता है। गिरावट सब में ही आएगी, लेकिन किसी में कम किसी में ज़्यादा,
ऐसे में कोई भी इन ट्रैप्स में मत फंसे। कोई आपको कुछ बोलता है कि ये शेयर ले लो ये नहीं गिरेगा, तो वैसे वैसे कोई मेरे को नहीं लगता आइडियाज हैं। थोड़ा सोच समझ के विचार करके करें। गिरावट तो सभी में आनी है, कुछ में कम आएगी कुछ में ज़्यादा, तो उस हिसाब से अपने डिसीजन लें। बात करेंगे आगे और भी कि कैसे डिसीजन लेने हैं। इसके अलावा रुपी बाई डॉलर में भी भारी गिरावट आई, 72 के ऊपर जाकर के ये बंद हुआ। इनफैक्ट ये भी एक बिगेस्ट सिंगल डे डिक्लाइन था और ये डिक्लाइन रहा 3 महीनों का बिगेस्ट। तो यहाँ पे भी एक आया और मैं साइकोलॉजिकल एक स्तर था 72 का डॉलर का, वो टूटने पे भी काफ़ी लोगों को बहुत धक्का लगा कि यार ये लेवल भी टूट गया। ऐसे में कुछ एक्सपोर्टर यूनिट्स को तो बहुत फ़ायदा होगा, बट मेजॉरिटी इंडियन यूनिट्स को नुकसान है जब रुपी डॉलर इतना ज़ोर से बढ़ेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इम्पैक्ट ऑन अदर एसेट्स हो गई। तो अब बात करते हैं अब इंडिया की, इंडिया में क्या हालात हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो अपने पॉलिटिशियन है फिनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया फिलहाल थोड़ा प्रोन है क्योंकि इंडिया में ये आउटस्प्रेड इतना ज़्यादा हुआ नहीं, इंडिया थोड़ा जल्दी डिसीजन लिया जिसकी वजह से हम बच गए, विच इज़ ट्रू इन माई सेंस ऑल्सो, क्योंकि इंडिया आउटस्प्रेड में रैंक 9th पे आया है एज कम्पेयर टू मेक्सिको जो 2nd पे आ गया। यानी कि चाइना से मेक्सिको तक ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो गई लेकिन इंडिया वालों ने इस पर रोक डाली। 300 से भी कम केसेस रिपोर्टेड हैं ऑफिशियली, मैं अनऑफिशियल कुछ नहीं गिन रहा, ऑफिशियली 300 से कम केसेस इंडिया में रिपोर्टेड हैं। तो ऐसे में ये उपचार ठीक ही हुए हैं, मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया जिसकी वजह से ये फैला नहीं। तो इंडिया को हेल्थ कारणों से तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। इसके अलावा आगे समर्स भी आ रहे हैं इंडिया में, 1 महीने के अंदर बहुत गर्मी पड़ेगी इंडिया में और इतनी गर्मी में ये इन्फेक्शन अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इंडिया हेल्थ के कारण से ज़्यादा परेशान नहीं होगा, लेकिन ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से इंडिया में ऑलरेडी स्लो डाउन था और बुरी तरह स्लो डाउन हो सकता है। इसी को चक्कर में अपने FM ने भी ये कहा है कि 2 से 3 हफ्ते अगर ये मामला और चल गया तो चैलेंजेस बड़े हो जाएंगे, उस समय उन सेक्टर्स को भारी नुकसान हो सकता है जिनके या तो रॉ मटेरियल या तो टेक्निकल असिस्टेंस चाइना से आती है। इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट यूनिट्स भी हैं जो चाइना को एक्सपोर्ट करती हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट ने इस चक्कर में उनको एयर शिपमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, अगर उनको अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है चाइना से तो एयर शिपमेंट वगैरह कुछ हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली उससे एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं। बट यस, ये बात ज़रूर है, इन सभी चीज़ों में ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना में लास्ट 10 साल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रही हैं। ऐसे में चाइना के विरुद्ध इंडिया एक अच्छा ऑप्शन आज भी इन्वेस्टर्स के लिए खुला है। इनफैक्ट हाल ही में निर्मला सीतारमन जी सऊदी अरेबिया में थी जहां उन्होंने एक समिट अटेंड किया, वहां पे भी उनसे काफ़ी सीरियसली कई इन्वेस्टर्स ने कमिटमेंट की कि हम इंडिया में अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चाइना में प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया खुद की छवि थोड़ी बेहतर की है इन 5-6 सालों में। अगर इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह मैं कह सकता हूँ आगे बढ़े, चाइना को यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन देने की सोचे, तो फिर इंडिया के व्यारे नारे हो सकते हैं। बट ऑल ऑफ दिस इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में जब तक बातें क्लियर नहीं होती तब तक तक इंडिया को भी प्रॉब्लम है, वर्ल्ड को भी प्रॉब्लम है। एंड फाइनल इज व्हाट टू डू, अब करें क्या भैया। तो करने में सर सबसे पहले तो ये समझिए कि ये बात क्लियर रखिए कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी तक पूरी तरह करेक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमारी PE वैल्यूएशंस भी लोग बोलते हैं बहुत हाई थी वगैरह वगैरह, जो कि आमतौर पे मैं नहीं मानता कि करेक्ट होती है इतनी आसानी से, बट नाउ वी हैव अ रीज़न। कोरोना वायरस एक सिग्निफिकेंट रीज़न हो सकता है जिससे हमारी PE वैल्यूएशंस 28 से कुछ नीचे आ जाएं। तो थोड़ा बहुत करेक्शन मैं भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ हो सकता है इंडियन मार्केट में। एंड ऐसे जब रिएक्शंस होते हैं ना तो सेंटिमेंट्स गड़बड़ा जाते हैं सारे इन्वेस्टर्स के, ये सेंटिमेंट्स शिफ्ट होने में टाइम लगता है। जब तक हम लोग वापस बुलिश नहीं होते बेरिश से, तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा समय तक करेक्शन होगा। इस करेक्शन में ना ही आपको खरीदने की जल्दी करनी है ना ही बेचने की, पर हाँ बेचने की जल्दी तब जरूर कीजिएगा जब आपके पास में जंक स्टॉक्स हो, क्वालिटी नहीं। व्हेन आई से क्वालिटी देन आई एम टॉकिंग अबाउट सम रियली गुड शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ब्रिटानिया, HUL, दिस काइंड ऑफ कंपनीज। ये कंपनीज में क्वालिटी है, आज नहीं तो कल इनका बिजनेस इनको वापस ट्रैक में ले आएगा। इनके लिए मैक्रो इकोनॉमी इतना इंपैक्ट नहीं करेगी क्योंकि इनका बिजनेस ही बहुत स्ट्रांग है। अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में हो, थोड़ा बहुत नुकसान आ भी रहा है आपको, होल्ड ऑन करो, बेचने की हड़बड़ मत मचाओ। प्रॉफिट है तो भी होल्ड ऑन करो,
प्रॉफिट बुक करना है तो नीचे के स्तर में वापस मौके मिलेंगे, एंटर जरूर करना। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, क्वालिटी स्टॉक्स को पकड़ के रखिए। जब भी ऐसे मौके आते हैं, स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजंस, तब सारे स्टॉक्स की पिटाई होती है, बट इन स्टॉक्स की कम होती है जिनके पीछे क्वालिटी होती है। सो डेफिनेटली जंक से तौबा तौबा करें, क्वालिटी को अपनाएं, दैट इज गोइंग टू हेल्प। इसके अलावा जिन लोगों के पास पैसा है, पहली बात, यू आर अ विनर ऑलरेडी। जिसके हाथ में अभी पैसा रह गया, मार्केट के करेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। बट व्हेन आई से थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब फेज्ड मैनर में खरीदिए। एक बार में सारे पैसे मत लगाइए। अगर आपको लाख रुपए लगाने हैं, 10,000, 20,000, 30,000 करके पर डे लगाइए। 4-5 दिनों में खरीदिए अपने शेयर्स को। अगर आपको कोई कंपनी के 20 शेयर्स खरीदने हैं तो 5-5 करके 4-5 बार में खरीदिए। ऐसा करने से ये होगा कि अगर कोई अचानक से करेक्शन आती भी है कोई दिन, तो उस करेक्शन में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, कम प्राइसेस में आपके शेयर्स बुक होंगे। तो ऐसे में आई वुड से थोड़ा सा फेज मैनर में ही खरीदें। एंड फाइनली, जाते जाते मेरी तरफ से एक टिप, अगर आपको पैसे हैं हाथ में और करेक्शंस में आपको अच्छे शेयर्स खरीदने हैं, तो अच्छे शेयर पहचानने के 3 तरीके हैं यहाँ पे। इनफैक्ट तीनों ही देखने हैं आपको। पहला यह है कि आपको एक लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। लास्ट 2-3 साल से लगभग लार्ज कैप की ही स्टोरी चल रही है। जब तक मिड कैप और स्मॉल कैप चलते नहीं हैं, तब तक मैं उस पर बेट भी नहीं करने वाला। और इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में जो भी कमाई हुई थी 2020 में, वो सारी कमाई वापस फ्लश आउट हो गई इवन इन अ सिंगल वीक। एक हफ्ते में सारी कमाई फ्लश आउट हो गई। सो इसीलिए स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा सा तौबा तौबा करें, लार्ज कैप में रहें। इसके अलावा ट्राई टू फाइंड दोज कंपनीज विच हैव अ स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ रेट, हिस्टोरिकली भी, फ्यूचर में भी। और मैं यहाँ पे भी सेल्स प्राइमरीली चाहता हूँ कि अगर डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ रेट हो तो और भी बेहतर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लफड़े में फिलहाल मत पड़िए, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट हेयर इज लो डेट इक्विटी। आप ऐसे शेयर्स में जरूर से इन्वेस्ट कीजिएगा जिनका डेट इक्विटी रेशियो लो है। हाई डेट इक्विटी रेशियो जैसे कि भारतीय एयरटेल में मत घुसिए। क्या कारण है? इनके डेट इक्विटी रेशियो सिग्निफिकेंटली हाई है। जब भी मार्केट में ऐसे कोई दबाव आते हैं, डिप्रेशन आता है, तो इन कंपनियों का बाजा पहले बचता है। इन कंपनियों में लेवरेज के वजह से फिनेंशियल रिस्क अट्रैक्ट हो जाती है, जो इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो ऐसे में ज़रूर उस चीज़ का भी ध्यान रखें, उन्हीं कंपनियों के साथ में जाइए जिनके साथ में अभी फिलहाल लेवरेज नहीं है। लेवरेज अच्छे मार्केट में आपको जितना फ़ायदा करता है, उतना ही बुरे मार्केट में नुकसान भी करता है। थ्योरेटिकली आप इस बात को जानते हैं, तो प्रैक्टिस में भी लाइए। डोंट इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव हाई डेट इक्विटी, एंड ऑब्वियसली लुक फॉर लार्ज कैप कंपनीज एंड स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ वाली कंपनियाँ। So that's it for this video. Thank you for watching this video. Video अच्छा लगने पे जरूर please subscribe करें चैनल को, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके भी मुझे बताएं किस तरह का आपको ये वीडियो लगा और ऐसा और कौन सा रिलेटेड कंटेंट आप देखना चाहते हैं। With that being said, मैं आपसे आज के लिए इतनी ही आज्ञा चाहूँगा, इतना ही रहा आज के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक खुद की सेहत का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। दैट्स इट, बाय बाय।